ये सामने बिरसा मुंडा चौक है और यहीं पे बस स्टैंड है, इधर चास जाती है और इधर हम लोग को सेंटर जाना है BSL CISF यूनिट। इधर है सेक्टर 4 सेक्टर 9 BGH का रास्ता। अब हम लोग को चलना है CISF BSL यूनिट, तो चलिए। तो आप सब देख सकते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं सेंटर की ओर। यहाँ देख सकते हैं बस अंदर जा रही है, यहाँ से मतलब बस एंट्री करने का रास्ता है। यहाँ पे नया मोड़ बस स्टैंड है और आसपास का सीन हमेशा इसी तरह कुछ दिखता रहेगा। ये मंदिर का सीन है सेंटर जाते वक्त, तो ये सब पहचानने का तरीका है, आप सभी देख सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए ठहरना चाहते हैं तो मैं एक लॉज बता दे रहा हूँ। लॉज का नाम है गुजरात लॉज, जो चास में है। देखिए यहीं से आपको मोड़ना है। यहाँ पे एक बोर्ड है, देखिएगा ITI कुछ लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम है जो कि सेल का है। यहाँ से आपको राइट लेना है, देख सकते हैं। मैं बोर्ड को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसी रास्ते से आपको जाना है, BSL CISF यूनिट का सेंटर है। यहाँ पे कहीं ठहरने का जगह नहीं है, ये आपका बोकारो स्टील सिटी का गेट है। तो इधर से ही आपको जाना है, जिधर से आपको ऑटो जाते दिख रही होगी। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप ठहरना चाहते हैं तो चास में गुजरात लॉज का नाम है, जो कि सबसे सस्ता है। एक सब कम से कम 400 लेता है, एक रूम में 2 बेड है। ये आपका लॉज है, आपका चास बाईपास के एक पास मतलब मंदिर है। अगर आप चास जाइएगा तो इधर से नया मोड़ होते हुए तो आपको लेफ्ट साइड मंदिर मिलेगा, तो उसके अपोजिट साइड है गुजरात लॉज बाईपास के पास। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं ITI और अब ये देख रहे हैं सभी भीड़ के जगह पे यहीं पे सेंटर है CISF BSL यूनिट का, देख सकते हैं। मैं और बहुत कुछ जानकारी दूंगा तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन वाला घंटा भी दबा लें। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक कर दें प्लीज़।